Hi guys, welcome back to my channel. I am Divyanshi and I am here again with my another video. So friends, आज मैं लेके आई हूँ बड़ा ही unique video. मैंने पहले तक जितने भी videos बनाए हैं उनसे थोड़ा अलग है क्योंकि आज मैं लेके आई हूँ एक cooking video. Yes, you heard it right. आज मैं cooking video लेके आई हूँ और हम लोग आज cooking तो करेंगे ही, साथ ही में कुछ chit chat भी करेंगे. और आप गेस कर सकते हो कि आज मैं बनाने के वाली हूँ. लेकिन जब आप टाइटल देख लिए होगे तो आप समझ ही गए होगे कि आज मैं बनाने के वाली हूँ. सो आज मेरा मोस्ट फेवरेट, सब बच्चों का भी होता है, बनाने वाली हूँ मैं आज चॉकलेट मिल्क शेक. यस यस यस, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है चॉकलेट मिल्क शेक. मुझे कभी भी दे दीजिए ना, मैं कभी भी खा लूँगी, पी लूँगी. इतना ज़्यादा पसंद है. सो चलिए फटाक से किचन में चलते हैं और ये रेसिपी बनाते हैं. सो फ्रेंड्स, चॉकलेट मिल्क शेक बनाने के लिए आपको चाहिए होगा मिल्क, कोकोआ पाउडर, पाउडर्ड शुगर और साथ ही में चॉकलेट सिरप एंड ओरियो बिस्किट फॉर सम डेकोरेशन. तो चलिए अब बनाते हैं. सो फ्रेंड्स, चलिए अब चॉकलेट मिल्क शेक बनाना स्टार्ट करते हैं. तो इसको मैं एक साइड पे कर देती हूँ और मैं ले रही हूँ ये ग्राइंडर और इसमें मैं डालूँगी 1 glass ऑफ मिल्क. ओके सो, और मैं इसमें डालूंगी ये कोकोआ पाउडर, 1 spoon डालूंगी मैं. सो फ्रेंड्स, ये मैंने 1 spoon ऑफ कोकोआ पाउडर ले लिया है, इसको मैं डालूंगी. ये चॉकलेट पाउडर है और अब मैं इसको ग्राइंड कर लूंगी मिक्सर ग्राइंडर में. सो फ्रेंड्स, अभी मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया मिक्सर ग्राइंडर में. ये देखिए कितना बढ़िया हो गया है. ओके सो, अब मैं इसमें डाल दूंगी पाउडर्ड शुगर. ये मेरा पाउडर्ड शुगर है, इसको मैं इसमें पूरा डाल दूंगी. एंड गाइज, आपके वेकेशंस कैसे चल रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. मेरे तो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं. मैं DIY दिन भर बनाती हूँ, मैं TV देखती हूँ, मैं खेलती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, सो जाती हूँ. काफ़ी इंजॉय कर रही हूँ मैं अपना वेकेशन. एंड आप लोग के वेकेशंस कैसे चल रहे हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा. तो मैंने इधर पाउडर शुगर डाल दिया है सारा, अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी मिक्सर ग्राइंडर में. सो फ्रेंड्स, मैंने अभी इसको अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है और अच्छे से जो शुगर है वो इसमें डिसॉल्व हो गया है. तो हमारा जो चॉकलेट शेक है वो रेडी हो गया है. अब बारी है इसकी सर्विंग की, तो चलिए इसको सर्व कर लेते हैं. एंड गाइस, किसको किसको चॉकलेट शेक पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा वाला पसंद है. आई जस्ट लव चॉकलेट शेक. तो ये मैं ग्लास ले रही हूँ और अभी मैं ले रही हूँ ये चॉकलेट सिरप. इसको मैं पूरे ग्लास में अच्छे से राउंड राउंड करके अच्छे से ऐसे फैला दूँगी जिससे ये थोड़ा टेस्टी हो जाएगा. तो ये देखिए कुछ इस तरीके से कितना टेस्टी लग रहा है. ओके गाइस, तो मैंने इसको देख रहा पूरा ग्लास ही कवर हो गया है अंदर से चॉकलेट से. वो मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ इसको टेस्ट करने के लिए. ओके तो ये हो गया है. अब मैं इसमें डाल देती हूँ हमारा चॉकलेट शेक. हाँ, मुझे चॉकलेट शेक कभी मिल जाए ना, मैं कभी पी लूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. वाओ गाइस, ये देखिए बबल्स आ गए हैं. कितना टेस्टी लग रहा है. और साइड साइड में आप देख रहे हो ना ये चॉकलेट सिरप, कितना सुंदर लग रहा है इसकी वजह से.
ओके सो अब बारी आती है मेरा मोस्ट फेवरेट बिस्किट ओरियो से इसको डेकोरेट करने की, जिससे थोड़ा और सुंदर लगे। बस मैं इसको सुंदर बनाती ही जाऊंगी जितना सुंदर मुझसे बन सकेगा, क्योंकि मज़ा आता है जितना, मतलब कि जितना टेम्पटिंग लगता है देखने में तभी और मज़ा आता है इसको पीने में। एंड गाइस ओरियो बिस्किट मेरा मोस्ट फेवरेट बिस्किट है, मुझे इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं क्या बताऊँ। और मोस्ट फेवरेट चॉकलेट ना किटकैट है, ये दोनों मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। तो ये ओरियो बिस्किट, इसको मैं थोड़ा सा क्रश करके डाल देती हूँ, ताकि आप जब पियोगे तो बीच बीच में जो चंक्स आएंगे ना ओरियो के, गाइस इतना टेस्टी लगता है वो। तो मैं थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ इसको। अब ये लग रहा है चॉकलेट ओरियो शेक हो गया है, पहले ये सिर्फ चॉकलेट शेक था, अब ये चॉकलेट ओरियो शेक हो गया है। ओके गाइस तो ये देखें ओरियो सारे नीचे चले गए हैं, कोई नहीं बीच बीच में तो आएंगे ना। तो हमारा चॉकलेट मिल्क शेक हो गया है रेडी मेरी बातों के साथ। तो ये कितना टेस्टी लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अब मैं इसको एक बार आपको पी के दिखाऊंगी, बताऊंगी कि ये कितना ज़्यादा डिलीशियस है। वैसे मुझे अपने आप पे कुछ ज़्यादा ही भरोसा है कि हाँ ये डिलीशियस तो होगा ही। तो चलिए अब इसको मैं पीती हूँ। सो फ्रेंड्स मैंने अपना चॉकलेट मिल्क शेक रेडी कर लिया है, एंड ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत सुंदर लग रहा है। वैसे तो मैं ये मिल्क शेक जूस मैं स्ट्रॉ से पीती हूँ, बट ओरियो का भी तो मज़ा लेना है, तो मैं इसको आज ऐसे पीऊँगी और मैं पी के बताती हूँ कि ये कितना टेस्टी बना है, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा टेस्टी है, एकदम लाइक शुगर और सब कुछ एकदम परफेक्ट है। गाइस बहुत ज़्यादा टेस्टी है, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, बहुत ज़्यादा अमेजिंग बना है चॉकलेट मिल्क शेक, बहुत अमेजिंग है, जस्ट ट्राई इट आउट। ओके सो यही था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आज का ये रेसिपी अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने नहीं किया है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने जो बनाया ना चॉकलेट मिल्क शेक वो कैसा बनाया। सो चलिए मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।